हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो का टाइटल है नुंग करोई ओंखे न्यू कोक ब्रू ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो राजेश एंड मातेश्वरी, ये वीडियो का टाइटल है। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। और इनके ओरिजिनल वीडियो का और इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता ही है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते, बातें बाद में कर लेंगे, लेट स्टार्ट। बहुत एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सॉन्ग के लिरिक्स भी बहुत ज़बरदस्त है और भाई की आवाज़ और म्यूजिक भी बहुत बहुत मस्त है। सिंगर साहब
तो फ्रेंड्स, ये था सॉन्ग, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग था। सॉन्ग का म्यूज़िक और भाई की आवाज़ बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। पर यह सॉन्ग शॉक देता है आपको, आपको 440 वोल्ट का शॉक लास्ट में मिलता है इसमें। इतनी हैप्पी लव स्टोरी चल रही थी, इतना ज़बरदस्त, क्या बताऊँ मैं आपको, कि मैं एकदम उनके साथ मैं भी सपनों में खो रहा था सॉन्ग देखते देखते। पर अचानक जैसे आपको किसी एकदम ग्रीनरी वाला हिल स्टेशन से डायरेक्ट सहारा रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, उस तरीके का शौक था ये। मतलब जो हरी भरी हरियाली कहते हैं उसे, इतनी ग्रीनरी, और अचानक से वो उसे आग लग जाए, और जहाँ पे उसके बाद जो वीराना दिखता है उस टाइप का था। मैं बात करना चाहूँगा दोनों मेल और फीमेल एक्टर की, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है दोनों ने भी, और दोनों के एक्सप्रेशंस, दोनों की एक्टिंग, जैसे मैम को बहुत हेल्पिंग दिखाया लोगों की हेल्प करते हुए, जैसे एक बुज़ुर्ग आदमी थे उनको रोड क्रॉसिंग वाला हो, या फिर वो लेडी थी उनके पास पानी का वो था, पॉट थे, उसको घर लेते ले जाते हुए। दोनों के एक्सप्रेशंस भी उस टाइम बहुत ज़बरदस्त थे, जैसे सर के एक्सप्रेशंस थे, वो उनकी तरफ जिस तरीके से देखते हैं, एक्चुअल में ऐसा लगता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते, वो एक्टिंग ने एक्चुअल में उनको बहुत पसंद करते, इस टाइप का लग रहा था। मैम की बात करूँ तो मैम का जैसे उनको मोबाइल गिफ्ट में मिलता है उस टाइम के उनके वो खुशी वाले एक्सप्रेशंस हो, या उनके जितनी भी एक्टिंग है बहुत नेचुरल लगती है, बहुत मज़ा आया उनकी एक्टिंग देख के भी। पर यहाँ पर जो लास्ट वाला सीन है वो आपके दिल को झकझोरने वाला है, वो आपको एकदम से आपके दिल को ऐसे तोड़ने वाला है। मतलब इतनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी चल रही थी, अचानक से उनको कार उड़ा देती है, और उसके बाद जो एक छोटी बच्ची को दिखाया गया, उसको जो बोलते हुए दिखाया गया, आपको एकदम इमोशनल कर देता है, और मेरे आंखों में भी आंसू आ गए ये देख के। जो लव स्टोरी दिखाई है उसके हिसाब से कोई भी इस बात को मतलब ऐसे इमेजिन नहीं कर रहा था कि आगे चल के मतलब ऐसा कुछ दिखाया जाएगा या फिर ऐसा होगा। वो एकदम ज़ोर से शॉक देता है आदमी को, और एकदम से मेरे तो आँखों में आंसू आ गए जब वो देखा पूरा लास्ट वाला जो 50 सेकंड का जो पूरा एक क्लिप है, वो एकदम इमोशनल करने वाला है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो को शूट किया गया है। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा रहा, एडिटर का काम भी बहुत अच्छा है, साउंड क्वालिटी हो या फिर जितना भी उनका क्रू है, एक्टिंग सब बहुत ज़बरदस्त है, म्यूज़िक और सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।